नमस्कार, मैं दिशा और आज हम यहाँ मौजूद हैं ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर में। और आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं उर्दू अदब की दुनिया के एक मशहूर शायर शहपर रसूल सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। मेरा सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि आपने अपने अंदर का शायर कब ढूँढा, कब आपको महसूस हुआ कि अब हमें शायरी करनी चाहिए? मैंने अपने अंदर का शायर नहीं ढूँढा, शायर ने मुझको ढूँढ लिया। ये हादसा कब हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन हो गया। मैं शुरू में कहानियाँ लिखता था और हिंदी में लिखता था। अब हिंदी से कब उर्दू की तरफ आया और कब शायर हो गया, ये मैं सोचता हूँ तो याद नहीं आता, मैं पुरानी बात हो गई। ये इसीलिए मैंने कहा कि शायर ने मुझे ढूंढ लिया, मैंने शायर को नहीं ढूंढा। तो सर आपके वालिद जो थे वो सियासत से जुड़े हुए थे, तो आपने कभी पॉलिटिक्स में जाने का नहीं सोचा? ये आपको कैसे मालूम? सर मैंने पढ़ा हुआ है ये चीज़। अच्छा, हाँ, मेरे फादर यूपी असेंबली में MLA रहे कई बार, और भी बहुत कुछ जो सियासत में होता है। लेकिन मुझे तो लिटरेचर से बचपन से दिलचस्पी थी। इसमें एक बहुत अच्छा एक वाक़ा मैं आपको सुनाऊँ। जब मैं बहुत छोटा था तो एक नाना थे हमारे रिश्ते के, उन्होंने तमाम तलिश्म हो शुरबा और जो जातक कथाएँ और दूसरी तमाम वो बिल्कुल घोल के पी रखी थी, उन्हें सब याद था। और वो इतने रोचक अंदाज में सुनाते थे कि जब वो सुनाते थे तो भीड़ लग जाती, और वो किस्से वो सुनाते थे, हम भी सुनते थे, बच्चे थे, मैं सुनता था, और सुनने के बाद सुबह को उनको लिखता था, उसके बाद एक किताब बना देता चार पांच, उसका टाइटल भी बनाता था और राइटर की जगह अपना नाम लिख देता। अब बड़े होकर वो मैं चाहा कि कहीं वो मिल जाए, लेकिन वो मिली नहीं, क्योंकि बचपन की चीज़ थी। तो शुरू से एक से लिटरेचर से, कहानी से, शायरी से भी, क्योंकि हमारे यहाँ कोर्स होता है। मेरे जो परदादा थे वो परनाना भी थे, परदादा भी थे, वो वारसिया सिलसिला एक जो सूफिया के सिलसिले हैं उसका एक बहुत बड़ा सिलसिला है, उसके बहुत बड़े वो सेंट थे, सूफी थे। तो वहाँ 100 साल से भी ज़्यादा से उर्स होता है हमारे यहाँ बछराऊँ, तो उसमें जो कलाम पढ़ाया जाता है कव्वाली सूफियाना कलाम, फ़ारसी का भी, उर्दू का भी, हिंदी का भी, तो वो शुरू से चूँकि सुना था तो पूरा एक माहौल वहाँ इस तरह का था कि अदब से, लिटरेचर से, तमाम चीज़ों से एक दिलचस्पी थी। सर आजकल हम देखते हैं कि जो उर्दू भाषा है उसका महत्व काफ़ी कम है, मतलब कई बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उर्दू को समझते हैं और बोलते हैं, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो आप बात कह रही हैं ये बहुत अलग बात है, जो हो रहा है वो बिल्कुल अलग है। जब दो चार फारसी के लफ्ज़ बोल दिए जाएँ तो लोग समझते हैं उर्दू बोली जा रही है, उर्दू वो नहीं है। उर्दू वही है जो आप और मैं बोल रहे हैं। हिंदुस्तान की, हमारे देश की लैंग्वेज फ्रंका आज भी उर्दू ही है और कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं है। मैं नॉर्थ ईस्ट में भी और सारे जो हिंदुस्तान के इलाके सब में जा चुका हूँ, और वहाँ जो ज़ुबान बोली जाती है वो उर्दू ही है। जब उसको हिंदी में जब बहुत ज़्यादा उसको संस्कृताइज कर दिया जाता है, इसे जब उर्दू को बहुत ज़्यादा फारसी आमेज कर दिया जाता है, तो ना वो हिंदी रहती है ना ये उर्दू रहती है। असल में तो वही है, जो ज़ुबान जो मैं और आप बोल रहे हैं वही उर्दू है, वही हिंदी। सर आप तो एक बेहतरीन शायर हैं ही, तो मुझे ये जानना था कि आप किसको सुनना पसंद करते हैं, आपका कौन फेवरेट शायर है? हमारे तो जितने क्लासिकल शोरा हैं, मीर का जिक्र हुआ, गालिब का जिक्र हुआ, और दूसरे शायर हैं, पर्शियन के शायर हैं, कुछ अंग्रेज़ी के शायर हैं, रिल्के का भी जिक्र किया था। रिल्के की शायरी की खूबी ये है कि वो हर चीज़ को इस तरह देखता है जैसे बच्चा देखता है जो पहली बार देख रहा है और चौंक जाता है, तो वो कैफियत उसके आए। या ये है कि अगर वो एक पेड़ देखता है तो उसे महसूस होता है कि मेरे अंदर भी एक पेड़ जो है वो उगना शुरू हो गया है। तो ये है, तो तमाम जो क्लासिकल पोइट्री है वो मुझे पसंद है, और नए लोग भी आजकल भी जो शेर कह रहे हैं, अभी इस मुशायरे में आपने शेर सुने तो उसमें कई शेर बहुत अच्छे पढ़े गए। तो ऐसा कोई एक शायर फेवरेट नहीं है, सारे अच्छे शायर हमारे फेवरेट। सर इसी से जुड़ा हुआ एक मेरा आखिरी सवाल है कि जो अभी जो यूथ है जिनका शेर और शायरी में जिनका रुझान है, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे इसमें? भाई शेर और शायरी में रुझान है तो देखिए, अध्ययन जो है, पढ़ना, रीडिंग, वो बहुत बड़ी चीज़ है। हम इंटरमीडिएट में थे तो हिंदी साहित्य हमारे पास था, तो बालकृष्ण भट्ट का एक उसमें ऐसे था, वो था अध्ययन,
और उसने बताया था कि साहब पढ़ना जो है इसलिए कि किसी फिलासफर ने कहा था कि एक किताब पढ़ने के बाद आप वो नहीं रहते जो उस किताब पढ़ने से पहले थे, बदल जाता है आदमी, सोचने का तरीका, देखने का तरीका, बात करने का तरीका, दुनिया इसकी और हो जाती है किताब पढ़ने के बाद। तो सबसे बड़ी चीज़ है पढ़ना, तो पढ़ना चाहिए, जो नए लोग हैं उन्हें खूब पढ़ना चाहिए, और जब ज़्यादा पढ़ेंगे तो नया कहेंगे, ऐसा नहीं कि उसकी नकल करेंगे, जब कम पढ़ेंगे तो उसकी नकल करेंगे जो कहा जा रहा है। तो ये नकल नहीं करना चाहिए, अपना होना चाहिए, और अपना जब ही होगा, जब आप जितना आप पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा हम कुछ नहीं जानते, जो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं वो समझते हैं कि हम सब जान गए, बहुत काबिल हो जाते हैं, जो बहुत पढ़ते हैं वो उनसे बात किए वो कहेंगे साहब मैं तो कुछ नहीं जानता, इसलिए कि जितना ज़्यादा जानेंगे मालूम होगा कि दुनिया तो बहुत बड़ी है, हमने तो कुछ भी नहीं जाना। तो सबसे बड़ी चीज़ है पढ़िए, और तमाम क्लासिकल पोइट्री पढ़िए, हिंदी की पोइट्री पढ़िए, क्या सूर ने जो कृष्ण का वात्सल्य वर्णन है कितना खूबसूरत, कितना मानीखेस, कैसी ज़बरदस्त शायरी, तो इस तरह की शायरी पढ़िए, चाहे वो हिंदी की हो, उर्दू की हो, या अगर आप दूसरी ज़ुबानें जानते तो और अच्छी बात। सर बस आखिरी में मैं इंटरव्यू ख़त्म करूँगी, आखिरी चीज़ आप ये बताएंगे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ITM यूनिवर्सिटी में आने के लिए। मैंने मशायरे में भी कहा कि बहुत मुख्तलिफ मशायरा था, बहुत अच्छा था, इसमें शायर भी सुनने के लिए आए थे, इसमें जो क्राउड था जो हमारे स्टूडेंट्स थे या दूसरे लोग थे वो भी मशायरा सुनने के लिए आए थे, जो मैंने बात कही थी कि कुछ लोग मशायरा देखने आते हैं, भाई देखिए क्या हो रहा है यहाँ, हो रही है, शोर मच रहा है, कुछ लोग सुनते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ साथ ले जाते हैं। तो मशायरा असल में मशायरा एक जो ये है इदारा है, ये तहजीब का इदारा है। पहले हम मशायरे में आते थे तो बड़ों के सामने किस तरह बात करनी, किस तरह उठना है, किस तरह बैठना है, ये सीखते थे, बात किस तरह करनी, अपनी बात हम दूसरे को कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं तो किस तरह कहें, ये तो मशायरा ये भी सिखाता है कि आपको क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, वो क्या कहना चाहिए और किस तरह कहना चाहिए, यानी सिर्फ शेर नहीं है, बात भी, बुज़ुर्गों से भी और छोटों से भी। तो ये एक तहजीबी इदारा है, और वो अब उसकी वो अहमियत नस्बतन कम हुई है, लेकिन नए जो लोग हैं आप जैसे लोग, उनकी दिलचस्पी इन सब चीज़ों में, लिटरेचर में देख के बहुत अच्छा लगता है। वरना किसी ख़ास ज़ुबान की बात नहीं है, किसी लैंग्वेज की, उर्दू हिंदी, बल्कि लिटरेचर की बात है कि लिटरेचर की अहमियत हमारे समाज में कम हो रही है, कम होती जा रही, और जब जब पैसे की और ये मटेरियलिज्म जो है जब तक इसकी अहमियत बढ़ेगी तो हमेशा लिटरेचर की अहमियत कम होगी, जब लिटरेचर की अहमियत कम होगी तो आदमी की अहमियत कम हो जाएगी। पहले कहीं एक आदमी मर जाता था तो लोग बहुत ज़मानों तक सोचते थे उसके बारे में बात, आज रोज़ लोग मरते रहते हैं कोई पूछता भी नहीं। तो ये जो हो गया है ये इसीलिए हो गया है कि ज़िंदगी की वैल्यूज़ जो हमें लिटरेचर सिखाता है वो हमसे कहीं दूर हो गई है, हमें उस तक जाना चाहिए, वो है असल चीज़। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।